हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। तो दोस्तों, बाहुबली 2 जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, इसके बाद अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस के कोई जो फिल्म रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो वो फिल्म है RR मूवी। दोस्तों ये जो फिल्म है, इस फिल्म की जो शूटिंग है दोस्तों स्टार्ट हो गई। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम यही बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, RR मूवी इसे रिलीज से पहले लोगों ने इस मूवी को 5 out of 5 रेटिंग दे चुके हैं कि ये लोगों को देख कर ऐसा लग रहा है कि ये जो फिल्म है बहुत ही सुपर हिट फिल्म रहने वाली है। इस फिल्म को दोस्तों बाहुबली ही फिल्म के जो डायरेक्टर है SS राजामौली, वही डायरेक्ट करने वाले हैं। और इस मूवी में हमें 3 जो है दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं। इसमें 2 टॉलीवुड के एक्टर जो कि रामचरण और जूनियर NTR नज़र आने वाले हैं, और बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन भी इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। और इसी लॉकडाउन में सबसे चर्चित रहने वाली जो एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, वो भी हमें इस मूवी में नज़र आने वाली है। ये जो फिल्म है दोस्तों, इसे बाहुबली से भी बड़े बजट पर, बाहुबली तो सिर्फ दोस्तों 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म का जो बजट रहने वाला है दोस्तों वो है 450 करोड़ रुपए। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन है, ये जो दोस्तों अगर इस मूवी को अच्छे रिव्यू मिले तो ये जो फिल्म है दोस्तों बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ती है। ये जो फिल्म है 2000 करोड़ रुपये भी कमा सकती है। और इस मूवी का अगर नेगेटिव भी रिव्यूज मिले दोस्तों तो ये जो फिल्म है दोस्तों अपना बजट आसानी से रिकवर कर सकती है और 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर सकती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फिल्म कितना जो है कलेक्शन करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म की जो शूटिंग है दोस्तों पिछले 6 महीने से कोरोना वायरस के कारण बंद हो गई थी, लेकिन इस मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने अब एक जो है यूट्यूब पर वीडियो शेयर करते हुए बता दिया है और ट्विटर पे भी बता दिया है कि इस फिल्म की जो शूटिंग है दोस्तों चालू हो गई है। और इस मूवी के जो कास्ट मेकर्स हैं सब इस मूवी से जुड़ गए हैं और ये जो फिल्म है अब चालू होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है 2021 तक रिलीज़ हो सकती है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने बेकार हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।